आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते कि आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मिश्का काफ़ी ज़्यादा वरिड हो गया। वो रुद्र से कहती हुई नजर आएगी कि हमने प्रशा को पहले तो ये झूठ बोला कि मेरे साथ रेप हुआ है, उसके बाद हमने प्रशा को ये भी झूठ बोला कि मेरे नेल्स के डीएनए सैंपल वेंकी के डीएनए सैंपल से मिल गए हैं। तुम्हें कुछ आइडिया भी है रुद्राक्ष कि जब प्रशा को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा? यहाँ पर रुद्राक्ष भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगा और तभी दूसरी तरफ वेंकी खुराना हाउस पहुँचेगा और रिपोर्ट्स लेकर के आएगा और कहेगा कि प्रशा ये देखो ये वो रिपोर्ट्स हैं जो रुद्राक्ष ने तुमसे छुपाई और ये नेगेटिव आई हैं। यहाँ पर प्रशा तुम्हारे साथ झूठ बोला गया है, रुद्राक्ष ने तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तुमने रिपोर्ट्स देखी ही नहीं। यहाँ पर ये सच सुनकर प्रशा के होश हो जाते हैं और वो रुद्राक्ष से बड़े ही प्यार से पूछती है कि रुद्र अन्ना जो कह रहे हैं क्या ये सच है, तुमने मुझसे झूठ बोला? यहाँ पर रुद्राक्ष कहता है कि हाँ प्रशा मैंने तुमसे झूठ बोला। रुद्राक्ष की बात सुनकर प्रशा को आ जाता है गुस्सा और वो हाथ पकड़कर रुद्र को बाहर निकाल देती है और कहती है कि अब हमारे बीच कुछ बचा ही नहीं। अब वो प्रशा यहाँ पर रुद्राक्ष और मिश्का के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देती है और यहीं से हो जाएगी रुद्राक्ष और प्रशा की सारी राहें अलग। एक बार जो फिर से रुद्र और प्रशा का अनब्रेकेबल बॉन्ड हम सबको देखने के लिए मिल रहा था उसमें आने वाली है दरा। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि प्रशा को कब समझ आएगा कि रुद्राक्ष जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच है। भले ही मिश्का का वेंकी ने रेप ना किया हो लेकिन उसकी कोशिश तो यही पूरी थी कि मिश्का की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अब ऐसे में प्रशा कब तक देगी वेंकी का साथ ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। वैसे ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।